बैक टू आवर चैनल कास्ट स्टाइल इन. आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ वो बहुत स्पेशल है, क्योंकि उस कार का वीडियो आज तक, अभी तक मैं बोल सकती हूँ, सोशल मीडिया पे किसी भी पर्सन ने नहीं किया है. तो आज वो कार है हमारी XUV 400 और इसका हम लोगों ने इंटीरियर किया है बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट. जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि XUV 400 का जो इंटीरियर आता है कंपनी से वो कम्प्लीटली ब्लैक कलर का आता है, बट कस्टमर को ब्लैक कलर बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लग रहा था और वो ब्लैक कलर बिल्कुल भी लाइक नहीं करते. तो यस, वो कार स्टाइलिंग पे आए और उन्होंने बताया कि मैम मुझे ना कुछ एक्सटीरियर से मैचिंग भी, जो कॉपर शेड है, मतलब इससे, इसके से मिलता जुलता ही, मतलब थोड़ा सा मैचिंग का आप दे दो ऐसा लुक जो मेरे इंटीरियर को और ज़्यादा यूनिक बनाए, साथ ही में लाइट इंटीरियर ऐसा हो कि जिस मेरी कार में जो भी बैठे वो बोले कि यस, ये इंटीरियर तो सिर्फ और सिर्फ कार स्टाइलिंग ही कर सकता है. तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर इसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या किया है. तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे अभी न्यू आए हैं तो आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ उसके लिए आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. उस बोरिंग ब्लैक कलर को चेंज करके हम लोगों ने इस कार के अंदर इंटीरियर मेकओवर का कलर कॉम्बिनेशन लिया है, रस्ट प्लस ब्लैक कलर का. और ये जो ये रस्ट कलर दिया हुआ है, या जो हम लोगों ने इस बार जो रस्ट कलर लिया है, ये आउटर से काफ़ी अच्छा खासा हमारा लाइट मैच हो रहा है, जिससे कि बाहर से भी अगर आप इस कार का इंटीरियर देखते हो तो हर कोई बोलने वाला है कि वाह, गाड़ी तो बहुत ज़बरदस्त तैयार करके दे दी है, बहुत अच्छे तरीके से रेडी कर दी है. तो अब इसकी मैं थोड़ी सी आपको चीज़ें बताती हूँ कि हम लोगों ने किस पार्ट पे क्या क्या चीज़ें की हैं. सबसे पहले मैं इस बार बात करने वाली हूँ इसकी सीट की. सीट को भी हम लोगों ने इंटीरियर से मैचिंग के लिए डुअल टोन ही रखा है सीट्स को. आप देख सकते हैं रस्ट और ब्लैक कलर के अंदर बहुत ही सिंपल सोबर डिज़ाइन इसके अंदर हम लोगों ने दिया है. साइड्स पे डायमंड कट देखने को मिलने वाला है आपको, एक्स्ट्रा कुशनिंग यहाँ आपको देखने को मिलने वाला. और सीट की खास बात ना, मतलब कहते हैं ना चार चांद लगाने वाली बात, या सीट में जो जान डाल दिया उसके लिए आप इसका थ्रेडवर्क देख सकते हो. थ्रेडवर्क बहुत ही खूबसूरती की तरीके से हम लोगों ने इसके अंदर एड ऑन किया, वो यहाँ पे आप देखिए. साथ ही में हम लोगों ने इस कार के अंदर अपना यूज किया है लेदर सॉफ्ट फिल कोटिंग, जिससे क्या है कि आपके जो पार्ट्स है कार के वो ओरिजिनल ही मेंटेन होते हैं, उनका कोई ग्रेन खराब नहीं होता. और यस, कोटिंग कराने से आपका कार का कोई भी पार्ट खराब नहीं होता है. बहुत सारे कस्टमर कहते हैं कि मैम इसकी जगह तो हम लेदर लगवा लेते. सर, आपको पता होगा कि हर पार्ट पे लेदर नहीं लग सकता, जिस पार्ट की पॉसिबिलिटीज होती है उस पार्ट पे लग सकता है. मैंने देखा है मार्केट में बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह लेदर लगा देते हैं, उससे क्या है गर्मी में वो लेदर निकल आता है, साथ में लेदर की अपनी एक थिकनेस होती है, उस लेदर की वजह से लॉक्स नहीं बैठते और गाड़ी में खड़खड़ की आवाज़ आती है और प्रॉपर फिटिंग एंड फिनिशिंग भी नहीं लगती है. तो लेदर सॉफ्ट फिल कोटिंग हम लोगों ने इस कार के अंदर कहाँ का किया है, आप इसका ये कंसोल वाला पैनल देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने टैन करने के लिए इसका लेदर सॉफ्ट फिल कोटिंग किया है. सेंटर कंसोल पे भी हम लोगों ने लेदर सॉफ्ट फिल कोटिंग किया है. आप इसके 6 जो पिलर्स हैं उस पर भी हम लोगों ने लेदर सॉफ्ट फिल कोटिंग किया है, और जो इसका लोअर डोर है लोगों ने लेदर सॉफ्ट फिल कोटिंग किया है. इस तरीके से इसके इंटीरियर को बनाया है कि इसकी जो लग्जरी लुक है वो भी हम लोग बनाए रखें, और कलर भी इतना ज़बरदस्त दिया है, वो ये आँखों में चुभने वाला या वैसा कोई रस्ट कलर नहीं है. आप अगर इसको फिजिकली देखोगे ना कार को, तो आप बोलने वाले हो कि यस, यही वो एक्चुअल रस्ट कलर है जिसे देख के बहुत अच्छा लग रहा है. अब चलते हैं इसके स्टेयरिंग की तरफ. स्टेयरिंग को भी हम लोगों ने बहुत सिंपल तरीके से रेडी करके दिया है. अपर एंड लोअर इसका कंप्लीट आपको ब्लैक मिलेगा, साथ में बहुत अच्छा देखने को मिलने वाला है आपको. इसके ड्रेस पार्ट पे टोटली हैंड स्टिच स्टेयरिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है. हम लोगों ने रस्ट कलर से यहाँ पे थ्रेडवर्क यूज किया हुआ है, आप वो देख सकते हैं. अब एक और चीज जो कि आप बहुत दिन से नोटिस कर रहे होंगे कि इसकी इन सब चीजों को ना कुछ तो है जो हाइलाइटेड कर रहा है. इस कार के अंदर हम लोगों ने कार्बन का भी बहुत अच्छा खासा यूज किया है, जो कि इसके इंटीरियर को काफी ज्यादा इन्हांस कर रहा है, और वो भी टैन कह सकते हो, रस्ट कह सकते हो, और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन के साथ है. वो मैं आपको बताती हूँ हम लोगों ने कहाँ किया है. स्टीरियो पैनल आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको देखने को मिलने वाला है. गियर पैनल की तरफ पैनो फिनिश बहुत सारे कस्टमर को पसंद है, बट यस, उस पर स्क्रैचेज और स्वेल मार्क्स बहुत जल्दी आते हैं. मतलब अगर आप
ऐसे हाथ भी रख रहे हो तो आपका थंब प्रिंट और फिंगर प्रिंट्स भी आ जाते हैं उस पर, तो बहुत सारे कस्टमर्स को लगता है कि बहुत जल्दी ख़राब होता है, तो इस तरीके से हमने इस कार को एक न्यू लुक दी है। तो यहाँ पे आप इसकी रियर सीट एंड रियर बैक देख सकते हो, वो भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। साइड्स जो पीछे वाला एरिया है इसको हम लोगों ने कम्प्लीटली ब्लैक रखा हुआ है विद ओरिजिनल कारपेट एंड बीडिंग के साथ, तो वो यहाँ पे आप देखिए कि क्या ज़बरदस्त फिनिशिंग इस कार की आ रखी है, और ब्लैक के अंदर ये कलर कॉम्बिनेशन ना बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। डोर पैड्स पे यहाँ पे हम लोगों ने लेदर अपहोल्स्ट्री एड ऑन करके दिए विद कुशनिंग, यहाँ पे कस्टमाइज्ड थ्रेडवर्क देखने को मिलने वाला है। पावर बूस्टर की यहाँ पे पावर फिनिश देख सकते हो, ब्रेस पार्ट को लेदर कोटिंग किया गया है। तो ये तो थी हम लोगों ने जो बेस्ट सजेशन दिए कस्टमर को, वो हम लोगों ने रेडी करके दिया है। तो गाइज आप जल्दी से बताइए कि ये मेकओवर आपको कैसा लगा। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो आप हमारे आउटलेट पे आ सकते हैं, और कोई सा भी कलर कॉम्बिनेशन अगर आपको करवाना है तो आप करवा सकते हैं। तो हमें कॉल करने के लिए जो नंबर रहेगा वो रहेगा 7271939393। आप हमारे किसी भी आउटलेट पे विजिट कर सकते हो, चाहे दिल्ली हो, नोएडा हो, गुड़गांव हो, पटना हो, और इवन देहरादून भी। तो गाइस फिर से मिलते हैं एक न्यू कार के साथ, एक न्यू कलर कॉम्बिनेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।